हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। तो गोल्डन ग्रामर, फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो गोल्डन ग्रामर है, आज मैं उसका चैप्टर नंबर 5 पिक्चर्स एंड वर्ड्स पढ़ाने जा रही हूँ आपको, जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। राइट अंडर ईच पिक्चर द करेक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे कुछ लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से आपको करेक्ट पिक्चर का करेक्ट स्पेलिंग ढूंढकर लिखना है। सिर्फ आपको ढूंढना है और लिखना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी लर्न है तो मैंने आपको बताया साउंड से भी हम ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या है स्टूडेंट? क्रो, CROW, क्रो, जो कि बुक में पहले से ही दिया हुआ है आपको, एज ए एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ है, बाकी सब आपको खुद करना है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है स्टूडेंट? क्रो। अभी देखिए, सी से क साउंड आता है, आर से र, ओ से अ और डब्ल्यू से भी व साउंड आता है, क्रो। एक्चुअली इसमें डब्ल्यू हमारा साइलेंट है। ओके, डब्ल्यू का कोई भी साउंड नहीं क्रिएट हुआ है, CROW, क्रो। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्रो हो गया, पिक्चर फर्स्ट दिया हुआ था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन में क्रो लिखा भी है, इसको राइट टिक किया है। तो आपका भी जो जो पिक्चर का जो जो होता जाए, आप उसे राइट टिक करते जाइए, तो इससे आपको इजी होगा फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पिक्चर क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? ये वाटर में एक बोट है। तो बोट है BOAT, बोट, बोट की स्पेलिंग है। तो चलिए हम चेक करते हैं, इधर ऑप्शन में बी कहाँ है पहले, तो आपको बी ढूंढना है। तो BEE से चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था कि ई साउंड आता है, तो ये तो बी हो गया। और क्या है यहाँ पर? BBB। अब यहाँ पर देखिए, ये है दूसरा बी, तो बी और ओ जो है अ साउंड क्रिएट करता है, AT, एट, तो क्या हो गया? बोट। यस, तो यहाँ से ये स्पेलिंग कॉपी करके आपको इस पिक्चर के नीचे लिखनी है, दैट इज बोट। ओके, बहुत ही इजी है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, क्या है ये? डॉग। यस, डॉग, डॉग की स्पेलिंग तो आप जूनियर सीनियर से ही पढ़ते ही आ रहे हैं, आई होप सबको आता होगा, DOG, डॉग, तो वो आपको लिख देना है। यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको दिखाई देगा डॉग, देखिए, तो इसको हम राइट टिक कर सकते हैं ऐसे। हमारा डॉग हो गया, बोट हो गया है, क्रो हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं स्टूडेंट, क्या है ये? लैम्प। यस, LAMP, लैम्प। तो चलिए हम ढूंढते हैं लैम्प कहाँ पर है। ल मीन्स एल, AM से एम, पी से प साउंड, LAMP, लैम्प। बहुत ही इजी है, तो यहाँ से स्पेलिंग कॉपी करके आपको यहाँ पर लिखना है लैम्प। ओके, अगर आप बिना देखे लिखें तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे आप, अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आप बिना देखे पिक्चर देख के उसका स्पेलिंग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर चल रहा है हमारा। तो ये क्या है स्टूडेंट? लिप। क्या है हमारा? लिप्स। ओके, लिप्स है, LIPS, लिप्स। ओके, तो चलिए हम ढूंढते हैं लिप्स कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है LIPS, लिप्स, तो यहाँ पे लिप्स लिखना है। ऊपर नीचे दो है तो लिप्स, एक रहता सिर्फ नीचे का दिया होता तो लिप, अगर दोनों है एक से ज्यादा है तो वो लिप्स हो जाता है। ओके, ऐसा आपको करना है, तो ये लिप्स हो गया। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं स्टूडेंट, क्या है ये? बी। यस, फ्लावर पे बी बैठी है। ओके, तो ये बी है, तो बी की स्पेलिंग BEE। चलिए चेक करते हैं BEE कहाँ पर है, ये रहा BEE, तो यहाँ पे हम BEE लिख लेंगे, दैट इज बी। ओके, BEE, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं क्या है स्टूडेंट। इस पिक्चर से तो आप सब फेमिलियर होंगे, रोज फ्लावर है। यस, रोज, तो रोज की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट? ROSE, रोज। चलिए ढूंढते हैं हम, हमारे ऑप्शंस में कहाँ दिया हुआ है रोज, ये रहा ROSE, रोज, तो यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, CRAB, क्रैब। ये क्या है स्टूडेंट? क्रैब, जिसको हम हिंदी में केकड़ा भी बोलते हैं, तो क्रैब है CRAB। चलिए ढूंढते हैं क्रैब कहाँ है हमारा, ये रहा CRAB, क्रैब, तो हमारा क्रैब भी हो गया है, रोज हो गया है, लिप्स हो गया है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, नंबर 9, क्या है स्टूडेंट ये? टाइगर। यस, ट मीन्स TIGER, गर, टाइगर। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में कहाँ है टाइगर, ये रहा यहाँ कॉर्नर में है, तो TIGER, टाइगर, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर लिख देंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, नंबर 10 है,
ये एक बास्केट है, ओके, हम फ्रूट बास्केट या फ्लावर बास्केट इसको बोल सकते हैं। तो ये एक बास्केट है सिर्फ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बास्केट है। तो बी ए बा एस ए स के ई टी केट बन गया बास्केट। तो चलिए देर ढूंढते हैं यहाँ पे बास्केट ऑप्शंस में कहाँ दिए हुए हैं, ये रहा, तो बास्केट को हम टिक कर लेंगे क्योंकि ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, बहुत ही ईजी है, कार सी ए आर कार, तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं सी ए आर कार यहाँ है, तो इसको राइट टिक कर लेंगे और ये फटाफट से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये एक वेजिटेबल है पम्पकिन, ओके, ये है पम्पकिन, पी यू एम पी पम के आई एन किन, ये हो गया पम्पकिन। चलिए देखते हैं पम्पकिन हमारे ऑप्शंस में कहाँ है, ये रहा पी यू एम पी के आई एन पम्पकिन, ओके, बहुत लोग इसको भोपला भी बोलते हैं, तो ये पम्पकिन है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं क्या है, नंबर 13 है हमारा मैंगो, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एम एन जी ओ मैंगो। तो यहाँ पे ऑप्शन में चलिए चेक करते हैं मैंगो कहाँ पर है, हमारा मैंगो टाइगर भी हो चुका है, इसको टिक कर लेते हैं, मैंगो यहाँ है, एम ए एन जी ओ मैंगो, तो इसको हम राइट टिक कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं क्या है, नंबर 14 है हमारा डक, डी यू सी के डक, डी यू सी के डक, चलिए ढूंढते हैं डक कहाँ पर है हमारे ऑप्शन में, और डक बी भी हमारा हो चुका है, अब है हमारा डक, ये रहा डक, तो हम डक को भी फटाफट से टिक कर लेंगे, लैम्प भी हो चुका है उसको भी टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ईगल है, ओके, ईगल ये एक बर्ड है जो कि बहुत ही ऊंचे आसमान में उड़ती है, ई ए जी एल ई ईगल, ओके, ई ए जी एल ई ईगल। चलिए ढूंढते हैं हम ईगल कहाँ पर है ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन बचे हैं ये देखिए बचा है, तो ई ए ई ग ल जी एल ई, मैंने यहाँ पे देखिए ई ग यानी मतलब कि यहाँ पे ए का साउंड नहीं आ रहा, ए साइलेंट है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट में अगर ई आता है तो उसका साउंड नहीं आता है, तो ये हो गया हमारा ईगल, ओके, फटाफट से यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। अब हमारा लास्ट पिक्चर स्टूडेंट देखिए क्या है, ये लायन, यस एल आई ओ एन लायन, ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं लायन कहाँ पर है हमारा, ये रहा एल आई ओ एन लायन, ओके, तो ये लायन जो कि हमारा किंग ऑफ द जंगल जिसे कहा जाता है, जंगल का राजा, और ये जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ओके, तो ये टाइगर और ये लायन, यहीं पर सारे पिक्चर्स देखिए हमारे सारे टिक आउट हो चुके हैं, यहाँ पे ईगल भी हो गया था, तो पूरे वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमने सब सारे पिक्चर्स में उसको फिल कर दिया है। स्टूडेंट बहुत ही ईजी है ये, तो आपका होमवर्क, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपको सारे स्पेलिंग लर्न करने हैं, आप इसको 2 times अपने नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि बिना ऑप्शन के ही आप उसको लिख सके, पिक्चर्स देख के आप उसको फटाफट से लिख सकें। तो बहुत ही ईजी था स्टूडेंट ये चैप्टर, यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 5 गोल्डन ग्रामर का ओवर होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।